हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश न्यूज हेडलाइंस को कैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं और उसको कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और कैसे समझते हैं। उसके पहले कुछ हम रूल देखते हैं। रूल वन, भूतकाल की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का प्रयोग होता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई भी पेपर के हेडलाइंस में। आप देखे होइएगा हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदूज, ये सारी में ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज की जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, विराट कोहली चैंपियन, तो यहाँ विराट कोहली मेक्स द कट, यहाँ द छूट गया, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत ने पाकिस्तान को 140 रनों से हराया, तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिया होगा, तो लिखेंगे इंडिया। अब यहाँ पर इंडिया के बाद जो मेरा वर्ब जो बनेगी तो इंडिया पिप मतलब होता है हराया, पिप पाकिस्तान। पाकिस्तान बाय 144 रन्स। सेकेंड देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल को राहत दिया, तो लिखेंगे SC, सर्वोच्च न्यायालय SC गिव्स रिलीफ टू राहुल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उसे कुछ जेल हो जाती है तो कुछ काम की जाती है, तो उस दौरान इसको हम यूज करेंगे रिलीफ। अगला क्वेश्चन, धोनी ने अपने खिलाड़ियों का बचाव किया। अब किसी तरह मैंने ख़राब परफॉर्मेंस के कारण जिस समय धोनी कप्तान रहते हैं तो उनको बचाव करते हैं मीडिया वाले से, उस समय कैसे बोलेंगे, तो धोनी डिफेंस। जैसे पुलिसकर्मी घूस लेते हुए पकड़े गए, द पुलिस मैन कॉट टेकिंग ब्राइब। नेक्स्ट है, हरभजन सिंह ने श्री संत को चाटा मारा, हरभजन स्लैप्स श्री संत, स्लैप्स में से चाटा मारना होता है। नेक्स्ट है, गौतम गंभीर ने टीम को जीत दिलाई, तो यहाँ गौतम गंभीर सब्जेक्ट है, तो गौतम गंभीर लीड्स, लीड का भाव फाइव होते लीड्स द टीम, मतलब टीम को क्या करी जीत दिलाई, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे टू विक्टोरी में सकता है जीत दिलानी। लास्ट है, मनीष पांडे ने IPL 8 में प्रथम शतक ठोका, तो यहाँ पे हम देखेंगे मनीष पांडे पे लिखेंगे सब्जेक्ट रूप में मनीष पांडे स्कोर्स द डेप्थ सेंचुरी इन IPL 8। ये सारे सेंटेंस अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें मेरे